हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद शमा। और आज जुमेरात को मैं कोई नॉनवेज नहीं बना रही थी, आज मैं बना रही थी वेज लौकी का बना रही थी सब्ज़ी विद ग्रेवी। तो यहाँ पे मैंने देसी घी लिया, उसमें खड़े मसाले में लौंग, इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता मैंने तड़के के लिए डाल दिया था। और ये सब्ज़ी देसी घी में बनेगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये नाइफ़ का सेट मैंने मीशो से मंगाया था, ये भी स्पैचुला सेट मीशो से मंगाया था, बहुत अच्छा है। अगर किसी को चाहिए हो तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे कॉमेंट कीजिएगा तो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया था। कढ़ाई मैंने यहियागंज से लिया था होलसेल मार्केट से, लेकिन ये जो चीज़ मैंने मीशो से मंगाया था बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। यहाँ पे एक प्याज मैंने चॉप कर लिया है, लौकी को मोटे मोटे चंक्स में आपको कट कर लेना है, वॉश कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे लहसुन अदरक मिर्ची का मुझे ऐसा कूट के ना पेस्ट बनाना है। पेस्ट इसमें नहीं डालना है, ऐसा कूट के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर खिल के आता है। और उसके बाद से मैं यहाँ पे जो पाउडर मसाले हैं ना, ये मैंने शाही ज़ीरा भी लिया था, क्योंकि लौकी में ज़ीरा डालना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है टेस्ट। शाही ज़ीरा डाला, उसके बाद मैंने जो एक प्याज को कट किया था वो प्याज मैंने डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसको सरसों तेल में भी बना सकते हैं, बट देसी घी का जो टेस्ट आता है ना वो बिल्कुल अलग आता है। और सच में बताऊँ, इतना अच्छा बन गया था, इतना अच्छा बना हुआ था, टेस्ट बहुत अच्छा आया था। हम लोगों ने नान से खाया था तो बहुत बढ़िया लग रहा था। और यहाँ पे देखिए, प्याज को फ्राई कर रही थी मैं, और ये स्पैचुला ना बहुत अच्छा है, इतना इजी हो जाता है काम करने में कि क्या बताऊँ। जब किचन में चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाती हैं तो आप लोगों ने देखा मैंने सारे बर्तन चेंज कर दिए हैं। और यहाँ पर अदरक लहसुन मिर्ची को मैं कूट रही थी, खूब अच्छा सा मैंने कूट लिया था। और जब चीज़ें चेंज हो जाती हैं ना तो आपका मन भी लगता है, तो मैंने सारी चीज़ें जितने भी बर्तन थे सब A to Z मैंने चेंज किया है, सब कुछ मैंने नया लिया है। काफ़ी कुछ मीशो से मंगाया है, काफ़ी कुछ मैंने यहियागंज के मार्केट से लिया है, और बिल्कुल होलसेल वाले रेट में। और बहुत ज़्यादा बर्तन इस बार मैं नहीं रखूँगी, जितना काम वाले बर्तन है बस उतना ही मैं मुझे इकट्ठा करना है, क्योंकि पहले ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे तो स्पेस नहीं होता है। आप रेंटेड हाउस में होते हैं तो इतना सामान लेना अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए भी मैंने चेंज किया था। और यहाँ पर देख सकते हैं, प्याज को लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन सा करना है। जब ब्राउन हो जाएगा फिर आप इसमें अदरक लहसुन मिर्ची का जो आपने कूट के पेस्ट बनाया है वो डाल देना, बिल्कुल फ्रेश बनाना है। देखिए इसे काफ़ी बारीक सा, और इसका जो जूस होता है ना, जो रस होता है, वो बड़ा अच्छा फ्लेवर लेके आता है। कभी कभी कुछ चीज़ में ऐसा ना कूट के डालने से टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। और पेस्ट अब हम लोग तो हमेशा ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट को डाल दिया और अच्छे से उसको भुनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और घी में इसका पूरा फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने काफ़ी अच्छे से किया, उसके जब भुन गया तो मैंने इसमें जो लौकी के चंक्स हैं उसको मैंने इसमें डाला है। और अच्छे से जिसमें जब तक लौकी पर स्पॉट्स ब्राउन ब्राउन ना आ जाए तब तक हमें इसको फ्राई करना है, उसी में सॉटे करना है एक तरह से आप बोल लो। और आप लोगों से एक बात और कहनी थी कि जो लोग मेरा वीडियोस देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस मेरा रेगुलरली देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग सब्सक्राइब करके नहीं देखते हैं तो प्लीज़ देखा करें वीडियोज़। और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से इस स्पैचुला से स्टर करने में भी बड़ा अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी ईजिली होता है, स्मूथ से एकदम से, तो ज़रूर इसको ले सकते हैं। और यहाँ पर जब तक वो फ्राई हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर मसालों का पेस्ट बना लूँगी। दही मैंने लिया है, प्लेन दही है, यहाँ पे देखिए स्पॉट्स आ रहे हैं। प्लेन दही मैंने 2 से 3 चम्मच ले लिया था, और इसी में सारे पाउडर मसाले जो है ना वो डालेंगे, जैसे कि आपका हल्दी है, कश्मीरी मिर्च है, मिर्ची है तीखी वाली, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है। और यहाँ पे मेरा मसाला मिर्ची ख़त्म हो गया था, मैं और इसमें अभी डालूँगी। और गरम मसाला ख़त्म हो गया था, गरम मसाला मैं घर पे ही बनाती हूँ, वो ख़त्म हो गया था तो मैंने उसको नहीं डाला है, आपके पास है तो आप डाल देंगे उसमें। और यहाँ पे मैंने एक मसाला यूज़ किया है, मखनी मसाला, चिकन मटन मखनी मसाला जो है, टिक्का मसाला जो लुलू मॉल से लाया था, वो मैंने ना बड़े थोड़ी सी क्वांटिटी में डाला है। इससे क्या है ना कि जो फ्लेवर था ना वो बहुत अच्छा आया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है तो डाल सकते हैं, कोई भी टिक्का मसाला डाल सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने सॉल्ट डाला और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पानी डालूँगी, और उसके बाद उसको अच्छे से ऐसा घोल जैसा बना लेंगे। और साथ ही साथ आपको लौकी को भी चलाते रहना है,
ठीक है, फ्लेम को मैंने थोड़ा सा तेज़ किया ताकि जल्दी से ये हो जाए। आप मतलब इसको भुनने में ही ना लौकी आधी से ज़्यादा गल चुकी थी, तो कढ़ाई में आप इजीली बना सकते हैं कुकर की जगह। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो कढ़ाई में बनती है तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कुकर के अकॉर्डिंग। तो सब्ज़ियाँ मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं कढ़ाई में ही बनाऊँ, और तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसको अच्छे से जो दही है उसको अच्छे से इस तरह से फ्लैट करते हुए मुझे मिक्स करना है। आप लोग को भी मिक्स करना है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने कश्मीरी मिर्च का पैकेट निकाल लिया है और इसमें से भी मैं अभी डालूँगी, जब तक वो रोगन ना दिखे ना तब तक सालन वाली सब्ज़ी हो चाहे गोश्त हो वो अच्छा नहीं दिखता है। और जब तक धीमे आंच से आप कुक करते हैं ना, कोई भी सब्ज़ी हो मटन हो चिकन हो, तो वो ना बहुत ही अच्छे से तेल छोड़ता है और बहुत ही फ्लेवर घुल के आता है। तो जब भी कुछ भी बनाएं, दाल सब्जी, दाल तो आप सिटी में बनाओगे, मीन सब्जी हो गया या चिकन मटन हुआ, चाहे कुकर या कढ़ाई में, स्लो फ्लेम पे बनाओ, बिल्कुल लो फ्लेम पे। उसे आप खुद देखेंगे कि आपके थोड़े से तेल में काफ़ी अच्छा तेल दिखेगा, टेस्ट जो होगा वो बिल्कुल अलग दिखेगा, बहुत ही लाजवाब लज्जत आती है। और यहाँ पे मैंने कश्मीरी मिर्च ऑयल लिया है। बहुत से लोग फूड कलर यूज़ करते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है फूड कलर का, यहाँ मैं कैमरे में आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। और अरहम इस वक्त में सो रहे थे तो शाम के वक्त में स्कूल से आने के बाद पता, उस दिन वो सो गए थे थर्सडे को। और यहाँ पे देखिए अच्छे से उसको मिक्स करना है। और प्लीज़ चैनल को मेरे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोग के सपोर्ट से 29,000 सब्सक्राइबर माशाल्लाह पूरा, सॉरी 29 नहीं 23,000 सब्सक्राइबर माशाल्लाह से पूरे होने वाले हैं। और व्यूज़ मेरे नहीं आ रहे जिसकी वजह से मुझे बड़ा डिप्रेशन हो जा रहा है। और यहाँ पे अरहम उठ के आ गए थे तो वो ज़िद कर रहे थे कि व्लॉग मत बनाओ मेरा, बाहर चलो देखो कैमरे में किस तरह देखते, नहीं हाई किया। मूडी बच्चा है मेरा, खुश रहेगा तो कहेगा व्लॉग बनाओ, नहीं तो कहेगा मत बनाओ। और यहाँ पे देखिए लौकी अच्छे से ब्राउन ब्राउन हो चुका है, इतना मुझे करना है। आप लोग जब बनाएं तो आप भी इतना कर, बीच में मैंने दो हरी मिर्ची डाल दी थी ठीक है। उसके बाद में आपको ये मसाला डाल देना है, कटोरी को अच्छे से धो के डालिएगा, यहाँ पे मैं डाल रही थी। और इसको तेल छोड़ने तक का भुनना है। और देखिए जब कोई काम कोई करता है तो पूरी ईमानदारी से जब करता है और उसका वही पैशन होता है ना, जब उसमें उसको काफ़ी टाइम से उस हिसाब से सक्सेस नहीं मिलती जैसा वो चाहता है, तो वो मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है, जो कि मेरे साथ हो रही है। क्योंकि लगभग 3 साल हो रहे हैं मुझे YouTube पे बहुत ही ज़्यादा से, अगर 3 साल देखिए, अगर पूरा लगातार का देखिए तो मैंने ना 2 साल से बहुत कड़ी मेहनत की है YouTube पे। और उस हिसाब से मुझे जब तक मैंने मार्केट व्लॉग बनाया तब तक आप लोगों ने बहुत अच्छा व्यूज़ दिया, अच्छा दिया, लेकिन कुछ रीज़न से मजबूरी से मैं शॉपिंग व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। डेली व्लॉग है लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाऊँ, चाहे रेसिपी में हो चाहे जो हो, लेकिन आप लोगों का वो सपोर्ट निकल के नहीं आ रहा है, तो वो मेंटली मुझे ना बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करें। और यहाँ रहे परेशान थे, बोल रहे थे व्लॉग मत बनाओ, अनकंफर्टेबल हो रहे थे, क्या हो रहा था उनको। और यहाँ पे मैंने ना बटर निकाला तो बटर में ऐसा ना कुछ ख़राब हो रहा था, तो फिर मैंने जितना बटर था उसमें मैंने फेंक दिया और बाकी धुल दिया। तो बटर को हमेशा फ्रिज में रखें, मैंने बाहर रख दिया था इसलिए मेरा बटर ख़राब हो गया। खैर प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाईली रिक्वेस्ट है। और मैं यहाँ बोल रही थी कि मेरे दिमाग का कोई जवाब नहीं, मैंने ऑलरेडी एक पैकेट निकाल के बाहर रख लिया था क्योंकि यार हमको चाहिए था पीनट बटर, और पीनट बटर फिनिश हो गया था। और यार हम का काम देखिए, ब्रेड को तोड़ तोड़ स्लाइस रखे थे तो साइड में खड़े, तो मैं उनको डांट रही थी, ये देखिए आ गए। और फिर यहाँ पे मैं उनको ना पता नहीं क्या लेने में चली गई रख के ऐसा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने नाइफ से ही बटर को अच्छे से उसी ब्रेड पे लगा दूँगी ताकि यार हम बटर वो ब्रेड को खा लें। ये भी बहुत अच्छा लगता है ब्रेड पे, ब्राउन ब्रेड है ये,
ब्रेड पे आप अच्छे से मोटा बटर लगा लें और चाय के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है। या वैसे भी खाएं तो भी बहुत ही अच्छा लगता है, बन मक्खन टाइप। तो यार प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और इसी सब जब मैं ज़्यादा सोच लेती हूँ ना इस अपने चैनल के बारे में या जो भी चीज़ है, तो मेरा ना मेंटली हिल जाता है, मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा नसों में पेन होने लगता है, मेरे सर के नसों में। क्योंकि यूट्यूब मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन है, मेरा शौक है, मेरी हॉबी है, जो कह लो वो है मेरा यूट्यूब। मुझे लाइफ में शुरू से कुछ ना कुछ करना था, खूब अच्छे से करना था। तो बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैं नहीं कर पाई कभी अपनी फैमिली की वजह से। मैं बताऊँ आपको, मैं शुरू में मैंने NCC ज्वाइन करना चाहा तो वहाँ पे मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, वो नहीं करना है, कि वो थोड़ा पजेसिव थी कि अगर ये आगे निकली और कभी गोली लग गई तो क्या होगा, तो वो इतना लंबा सोच के मुझे वो नहीं करने दी। फिर कॉलेज में गई, वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें मुझे खड़े होने के लिए मेरे सारे प्रोफेसर्स टीचर्स साथ के सारे फ्रेंड्स ने बोला, नाम दे दिया मेरा। फिर मेरे घर से परमिशन नहीं मिली कि इलेक्शन, बहुत बड़ा ख़ानदान था हमारा, है माशाल्लाह से, तो उस वजह से वहाँ पे भी मुझे नहीं खड़े होने दिया गया इलेक्शन में। खड़े होते तो डेफिनेटली जीतते, इतना कॉन्फिडेंस था, क्योंकि इतनी पॉपुलर थी मैं पूरे कॉलेज में, तो वो नहीं हुआ। उसके बाद मैंने LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पूरा तैयारी किया। जिस दिन एंट्रेंस एग्ज़ाम था उस दिन मेरे घर से हुआ कि नहीं, हमारे ख़ानदान की लड़की कचहरी नहीं जाएगी। तो वो मेरा रह गया, तीन मेरे बहुत बड़े ड्रीम थे, वो मेरे तीनों रह गए। क्योंकि मैं कुछ हमेशा लाइफ में ऐसा करना चाहा ना मैंने कि जिसमें मुझे सब कुछ मिले, मतलब फेम भी मिले, नेम हो, और मेरी खुशी हो जिस चीज़ में, सबसे बड़ी बात की मेरी खुशी हो जिस काम में। यहाँ पे अरहम को लेने जा रहे थे स्कूल, तो मेरी खुशी हो जिस काम में, मैं वो हमेशा करना चाहा मैंने, तो वो नहीं हुआ। फिर मैंने फ़ाइन आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहा, मैंने स्केचिंग करके बहुत प्रैक्टिस की, बहुत माशाल्लाह अच्छा बनाने लगी थी, तो वो भी नहीं हुआ। और यहाँ पे फिर वो भी मुझे मना हुआ कि नहीं, क्योंकि हमारे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में वो स्केचिंग नहीं था। और यहाँ पे कपड़े की ना खास मार्केट में आ गई थी, 500-500 के कॉटन के पाकिस्तानी सूट भाई के यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। इनके यहाँ का सेपरेट ब्लॉग जब मैं शॉपिंग वाला बनाती थी ना, तब तो ये सारे सूट 500-500 के बहुत अच्छे, मैंने भी 4 लिए, बहुत अच्छा है, ज़रूर लीजिएगा। मम्मी के लिए लिया था, ये ब्लू वाला भी लिया था, थान वाले 150-150 रुपये मीटर था, तो मैं वही बता रही थी। तो वो भी रह गया। अब मैंने ना फिर मैंने जॉब किया, मेरा जॉब में उतना मन नहीं लगता था कि 10 घंटे की जॉब, फिर घर आओ, फिर यहाँ अरहम के पेरेंट्स मीटिंग थी, वहाँ जा रहे थे हम लोग। फिर आगे बताऊँगी कभी, वीडियो लाइक करिएगा। क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग डन हो गई और हमको लग रहा था 3.5 घंटा पेरेंट्स मीटिंग होगी। स्कूल में आप चुप थे, अभी तो बड़ी आवाज़ें आ रही हैं आपके। तो अभी इनकी पेरेंट्स मीटिंग डन हो गई, हम लोग बंद। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे अरहम की पेरेंट्स मीटिंग में आ गए थे, मतलब जाके आ गए थे। मालूम है, हमें लगा 9 से 9:30 डायरी पे मेंशन था, मैसेज भी आया था, तो हमें लगा 9 से 12:30 तक का पेरेंट्स मीटिंग होगी। जैसे TV में दिखाते हैं ना कि सारे टीचर होते हैं, सारे पेरेंट्स आएंगे, सारे बच्चे रहेंगे, तो बच्चे के साथ पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, फिर उनकी परफॉर्मेंस बताई जाएगी। हाँ, लेकिन 2 मिनट का काम था सिर्फ, और हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम भी अभी हफ्ता भर से ये थोड़ा सा खुल गया है। नंगू तो जो है कि 15 दिन इनका रोने में चला गया, 1 महीना हुआ अभी इनको, 15-20 दिन तो रोने में गया इनका, हफ्ता 7-8 दिन से ये थोड़ा सा आ रहा है। बेबी शायद बेबी का कार्टून आ रहा है टॉकिंग का। तो आई होप वीडियो छोटा सा था, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत अच्छी होने वाली है, आपको कहीं ना कहीं ज़ियारत कराने वाले हैं, कहाँ के तो नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। अभी देखो, जितना भी पर्पल वाला आप लोगों ने वीडियो देखा, नहीं देखा तो आई बटन में लिंक है, और सारा ये सारा ना देखिए, मेरी स्किन काफ़ी हद तक ना
असल जो गड्ढे गड्ढे से थे ना वो सब भर गए और यहाँ पे बहुत ब्लैक ब्लैक सा ऐसा धब्बा हो गया। अब ये तिल तो नहीं जाएगा लेकिन ये जो था ना वो काफ़ी हद तक का कम हो गया। अब तिल भी देखो कितनी है, ये पैदाइशी है, ये दोनों अभी निकली है, ये भी निकली है, अभी दो निकल गई ले, ये वाली भी पैदाइशी है, ये वाली भी पैदाइशी है, ये हाँ अरे पैदा होने के बाद से निकली थी, हाँ वही बचपन बचपन, ये नया निकल गया, ये नया निकला है, ये दोनों तो पुराना ही है। क्या शालीमार उसमें मैंने अपना लिपस्टिक रख दिया, इतना हैवी कप ऑफिस से मिला था इनको, इतना भारी, कमजोर आदमी पकड़े ना तो वो कप के समय तो गिर गया, समझे, तो मैंने ना उसको ड्रेसिंग टेबल में अपने रख दिया, उसमें लिपस्टिक रख दिया, तीन चार लिपस्टिक मेरे पास बस। बलिया पहन लो थोड़ा कन्वर्स बड़ा हो जाए। नहीं वो हम नहीं पहनेंगे, मम्मी जो मम्मी को जो लाए थे हम लोग ने इयर रिंग गोल्ड वाली जनवरी में, इनका ये कान एकदम से वो हो गया था, दबाने वाला था तो ऐसा पेस्ट वाला नहीं था, ऐसे दबा देते जो वो वाला तो इनका कान पक गया था, तो ये हम लोग मदर डे को लाए थे दूसरा, तो कह रही वही पहन लो, अभी कई दिन से हम पहने नहीं थे ना तो ये बंद हो रहा था कल, थोड़ा बड़ा हो गया था। नहीं नहीं उतना बड़ा नहीं अच्छा लगता हमें, अब क्या हम शुरू से हम इतना बड़ा कान वान नहीं पहनते, हमें ऐसे छोटा छोटा ही अच्छा लगता है। उससे क्या हुआ जा रहे हो तो वहाँ नेक्स्ट ब्लॉग में कहीं जा रहे हैं, हाँ हम भी टॉय दिखाते हैं, कल इनके डैडी ले आए थे इनको सब पाए, देखिए यार हम का ये यार हमको कल डैडी इनके लाए थे, फोर का सेट और एक सिंगल रेसिंग कार, माशाल्लाह फिर भी कहेगा मेरे पास इतना थोड़ा सा टॉय है, बहुत नाइस है, डम ट्रक ड्रम ट्रक है, ड्रम ड्रम ट्रक मिनी ड्रम ट्रक, ये सीमेंट मिक्सर ये रेसिंग कार ऑरेंज कलर की, ये मेरा मुन्नू है क्या, मेरा मुन्नू है क्या, तेरी कार से लाए हैं शॉप से, आज अगर हमको अभी यूनिफॉर्म बदले हैं तब से अभी पहन नहीं रहे, हवा पानी थोड़ी जा रही है, इतना सारा क्ले मासूंदर हमके पास है, अभी और क्ले रूम में है और क्ले इधर उधर है, वो देखो वहाँ सोफे के उस पे है अपना सोफा, मैंने उलट हाँ बनाई ओलेक्स पे, मैंने अपना सोफा डाल दिया पूरा सेट सेल करने, अब मेरा सोफा ये 6-7 साल का हो गया है तो पुराना हो गया, तो अभी बहुत ज़्यादा ना स्पेस लेता है, ऐसा चौड़ा पड़ रहा है, तो इसको ना पूरा फुल एकदम कंप्लीट सेल कर रहे, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और लोकल का है लखनऊ का, लाइट भी गई, तो अगर किसी को लेना है तो ले जा सकता है, लास्ट प्राइस इसकी 5,500 है, और चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो 500 रुपये का डिस्काउंट 5,000 में दे देंगे फुल, मतलब 5 सीटर सोफ़ा है विथ उसका सोफ़ा कवर है, 5 कुशन है विथ कवर है, एंड उसके अलावा आपका टेबल भी है, किसी को लेना है तो आप कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करने लेना है तो आके ले जा सकते हैं। हेलो हेलो तू क्या बना रहा है, नहीं तो ओलेक्स प्रोसेस भी देखिए, आजकल में कई लोगों से बात हुई है तो वो लोग भी संडे के चक्कर में हैं, तो आज सैटरडे संडे तक सेल हो जाएगा, फिर उसके अलावा देखते हैं सोफ़ा लेना है कि नहीं, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है कि लिया जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ रहा है डाइनिंग टेबल, और वहाँ जहाँ सोफ़ा रखते हैं ना वहाँ पर डाइनिंग टेबल का रखने का है, फिर देखेंगे सोफ़ा का, थोड़ा ऐसा ना पतला सोफ़ा लेंगे जो स्पेस कम रखे ले और अच्छे से सेट हो जाए, और फुली एकदम कुशन था, मतलब हैंड पे भी ना ऐसा कुशन वाला रहे ताकि इलास्टिक वाला ना कवर लगा दे तो सोफ़ा गंदा नहीं होगा। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पर्पल वाला अच्छा अच्छा पर्पल का जो मैंने इतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग किया एकदम महंगा, फर्स्ट टाइम नहीं देखा है तो जाके देख लेना, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, डॉट एंड की का सारा प्रोडक्ट है, अरे बहुत अच्छा, काफ़ी ये गड्ढा दिख रहा है ना ये बहुत ज़्यादा दिखता था, अभी ये भी काफ़ी कम हो गया, यहाँ पर काला काला सा था वो भी कम हो गया, इधर के साइड में तो काफी ज्यादा सही है, इधर के साइड में भी सही हो रहा है।